दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद मोहन में। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि बच्चे दूध को दही क्यों डालते हैं, सुबह उठते समय जब हम पानी पीते हैं तो हमें जलन क्यों होती है, और कोरोना में जो है जो शहद पानी और ये चाय वगैरह जो गाढ़ा पदार्थ पीने को क्यों कहते हैं, और एसिडिटी हमें क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे दूध का दही क्यों डालते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भगवान ने इतने सारे ऑर्गन बनाए हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे तो कैसे कैसे क्या कर दिया भाई, भगवान की लीला, भगवान ही जाने। देखिए, सबसे पहले बच्चा जो है मुंह यानी दूध जो है अपने मुंह में लेता है। मुंह में लेने के बाद जो दूध है वो जाता है इसोफेगस यानी कि ग्रास नली में, क्या भाई खाना खाने जाता है ग्रास नली में तो जाता है, तो दूध मुंह से लिया और डायरेक्ट जाएगा ग्रास नली में। ग्रास नली जो है लगभग डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा। इसके बाद में जो दूध है वो आता है आमाशय, आमाशय। इसके बाद जो है हमारा दूध जो है वो बच्चे के अब HCl पा जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड खतरनाक होता है भाई साहब। एसिड इतना खतरनाक होता है यदि हमने हाथ पे डाला तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई जब हाथ जल रहा है तो फिर पेट क्यों नहीं जल रहा। देखिए, भगवान बड़ा इंटेलिजेंट है। देखिए, यहाँ पर भगवान ने ना एक परत लगाई है, इसे बोलते हैं म्यूकोसा। क्या? म्यूकोसा। ये आमाशय के अंदर जाती है, यहाँ पर एसिडिक एसिडिक छोड़ता है, और ये जो म्यूकोसा है ये क्षार छोड़ देती है, तो बेलेंस जो बन जाता है। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला और म्यूकोसा जो है वो क्षार कर देती है, नॉर्मल बात हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही बच्चे के मुंह से डायरेक्ट आमाशय में जो है वो दूध आता है तो यहाँ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है, और अम्ल क्या होता है, दूध को फाड़ देता है। अब जैसे ही दूध आया यहाँ जाकर बच्चा ओ यूं कर रहा है तो क्या, दूध पीता दूध है मगर निकलता दही है, तो दही क्यों निकलता है, यहाँ आके दूध जो होता है फट जाता है। जब बच्चा बाहर निकालता है तो दही निकालता है, बस यही कारण है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, सुबह उठते समय जब हम पानी पीते हैं, अब वो आपने देखा होगा कहीं पर भी गाँव है कहीं पर भी ऐसे ऐसे उठे वो डायरेक्ट उठकर जो है वो पानी पी लिया, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुबह उठते से ही जैसे ही हमने पानी पी लिया, यहाँ पर जो ये इसोफेगस यानी कि ग्रास नली है, पानी जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब पानी जाता है तो जलन महसूस होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन यानी कि अंग हैं वो पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हुए। आपने पानी डकार लिया, पानी डकार लिया, इसीलिए जो है वो जलन महसूस होती है, क्योंकि शरीर के जो ऑर्गन है अंग है वो पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हुए। अब जैसे ही पानी अपने यहाँ आता है इसोफेगस यानी कि ग्रास नली में, तो भैया वो कहता कहाँ आ गया है, थोड़ी बहुत कसरत मसरत व्यायाम कुछ तो कर लेते, इसके बाद में आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आप डायरेक्ट पानी पी लेते हो तो यहाँ दिक्कत होती है। अब ये नली ऐसा थोड़ी को पाई पे बिल्कुल ऐसे कोई और डायरेक्ट चला गया, भाई ऐसा थोड़ी बिल्कुल बड़े अच्छे से बना जाता है इसमें। तो ये क्या है, ये ग्रास नली है, और सुबह उठते हमें जलन क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर जलन फील होती है। देखिए, अब तीसरी बात है कोरोना में, भैया आप लोगों ने सुना होगा कोरोना में शहद पीजिए, अच्छी चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, फलाना पीजिए, डमका पीजिए, तो क्यों बोलते थे। देखिए, समझिए, यहाँ से जब हम चाय काढ़ा या पानी कुछ भी पियेंगे तो वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। अब गाढ़ा पदार्थ जैसे ही लेंगे कोरोना के बिल्कुल छोटा छोटा होता है भाई सब, बिल्कुल छोटा 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 छोटा। अब यदि आपने काढ़ा पिया तो काढ़ा बहकर डायरेक्ट कहाँ आएगा, वो आएगा आमाशय में, और यहाँ क्या कहते हैं दद्दा जी, दद्दा जी बोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब यहाँ जैसे ही कोरोना का वायरस है, कोई सा भी वायरस यदि इसके पल्ले पड़ गया तो ये निपटा देता है भाई। खतरनाक एसिड है, आपके हाथ में यदि हमारे गिर जाए ना तो स्किन जल जाएगी, तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए जो है वो कोरोना में शहद और चाय गाढ़ा पदार्थ, ताकि कोरोना जो है वो चिपक कर कहाँ आ जाए, हमारे आमाशय में आ जाए, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आ जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मार डाले। हर वायरस को खत्म कौन कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत खतरनाक है। देखिए आमाशय के भी तीन भाग होते हैं, कार्डियक एक होता है, फंडिक होता है, पेल्विक, मगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। देखिए अब हम जो है जानते हैं एसिडिटी के बारे में। देखिए एसिडिटी क्यों होती है भाई, ये क्या है एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडी मतलब एसिड। अब हमारे पेट में एसिड तो ऑलरेडी मौजूद ही है, अब एसिड जब मौजूद है तो एसिडिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये जो यहाँ एसिड होता है, जो परत एसिड निकालती है वो क्या कर देती है, थोड़ा ज्यादा निकाल देती है। अब थोड़ा ज्यादा निकाल देती है इसलिए क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। आपने देखा होगा एसिडिटी को, तो कहते हैं 6 सेकंड में ही ना लो और एसिडिटी तुरंत गवा, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। क्या है 6 सेकंड में बिल्कुल सही हो सकता है। अब यहाँ क्या, यहाँ से जाना ही तो है। दूध यदि आप कोई भी चीज नींब डाल के देखो, दूध में पड़ने में कितना टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड, तो कोई बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 सेकंड में तुरंत आराम लग जाता है, किससे, इनो से। तो, और इनो है क्या भैया, इनो क्षार है, क्षार समझते हो, OH+। अब ये केमिकल इनो क्षार है। तो आज हमने पढ़ा बच्चे दूध का दही क्यों डालते हैं, सुबह अपने में जलन क्यों होती है, कोरोना में शहद पीने को क्यों कहते हैं, एसिडिटी क्यों होती है, और 6 सेकंड में काम शुरू इमो। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।